3 साल से बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए चीनी सरकार ने वीजा भी देना शुरू कर दिया है, लेकिन अपनी हरकतों से नाबाज आने वाले चीन ने यात्रा से जुड़े कुछ नियमों को पहले से भी ज़्यादा खर्चीला और सख्त बना दिया है, यानी यात्रा की फीस को लगभग दोगुना कर दिया है। भारत और चीन दोनों देशों में सीमा पर झड़प तथा कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिस वजह से चीनी सरकार ने हिंदू अनुयायियों की बहुप्रतीक्षित यात्रा को 3 साल तक बंद रखा। हालांकि भारत, रूस और चीन की अगुवाई वाले संगठन SCO की दिल्ली गोवा में हुई समिट के बाद अब चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने वीज़ा देना शुरू कर दिया है, लेकिन यात्रा से जुड़े नियम कायदों को कठिन कर दिया है। साथ ही यात्रा पर लगने वाली फीस दोगुनी कर दी है। जिस हिसाब से देखा जाए तो अब भारतीय नागरिकों को यात्रा के दौरान कम से कम 1,85,000 रुपये ज़्यादा खर्च करना पड़ेंगे। अगर तीर्थयात्री अपनी मदद के लिए नेपाल से किसी वर्कर या हेल्पर को साथ रखेंगे तो $300 यानी $24,000 अतिरिक्त चुकाने होंगे। इस शुल्क को ग्रास डैमेजिंग फीस कहा गया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।